नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। झारखंड के जामताड़ा थाना क्षेत्र के जोरभीटा गांव में एक पति ने अपनी पत्नी को जींस पैंट पहनने से मना किया तो पत्नी ने चाकू से मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में इलाज के दौरान उसकी धनबाद पीएमसीएच में मौत हो गई। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पुष्पा हेम्ब्रम गोपालपुर गांव में सावन महीने में लगे मेला में जींस पहनकर घूमने गई थी। उसके लौटने पर पति आंदोलन टूडू ने कहा कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम जींस मत पहना करो। पति की बात सुनकर पत्नी नाराज हो गई और दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। आक्रोशित पत्नी ने अपने पति पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। चाकू के हमले में उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आनन फानन में उसे धनबाद के पीएमसीएच में लेकर गए। वहीं इलाज के दौरान धनबाद पीएमसीएच में पति की मौत हो गई। मृतक के पिता करणेश्वर टूडू ने बताया कि उनके बेटे ने बहू को जींस पहनने से मना किया था, इस पर पत्नी ने उसे चाकू से मारकर घायल कर दिया। इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। वहीं पत्नी ने भी घर वालों के समक्ष अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बताया जाता है कि लगभग 4 माह पहले ही महिला की शादी हुई थी। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।